नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में निकली हुई भर्ती के बारे में। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा भर्ती जारी की गई है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में हो रही है। आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है आते रहेंगे, वरना आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसी से वंचित रह सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा टीचर्स के पोस्ट के लिए भर्ती जारी की गई है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो आप जरूर अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो भर्ती है टीचर्स के पोस्ट के लिए हो रही है जो कि पीजीटी, टीजीटी और पीआईटी के पोस्ट की है। और भी यहाँ पर डिटेल्स हम आपको बताएंगे, पर उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि पोस्ट का नाम क्या है। पोस्ट का नाम है टीजीटी, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, जर्मन, ऐसे बहुत से पोस्ट के लिए टीचर्स ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, प्राइमरी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, गेम्स कोच, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ऐसे बहुत से पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए डिग्री पास होना जरूरी है। पीजी, बीएड, सीटीईटी पास उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल आपको 27,500 प्रति माह मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे हमने कहा आपको डिग्री पास होना जरूरी है और साथ ही साथ एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपके इंटरव्यू के द्वारा होने वाली है। अप्लीकेशन फी एज पर रूल्स है तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के आधार पर आपको यहाँ पर अप्लीकेशन फी पे करनी होगी। वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर 14/3/2019 यानी 14 मार्च 2019 से वॉक इन इंटरव्यू शुरू हो रही है और अधिकतम 15 मार्च तक ये वॉक इन इंटरव्यू रहेगी। सुबह के 9 बजे आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग देनी है दिए गए एड्रेस पे। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं जरूर इस वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करें। 14 से 15 मार्च के बीच ये वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है और जिससे आपको भरकर दिए गए एड्रेस पर जाना है आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर जहाँ पर आपकी ये भर्ती हो रही है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में हो रही है, तो जल्द से जल्द आवेदन कर आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पीडीएफ है जारी किया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको पीडीएफ जारी कर देंगे जिस पर आप क्लिक कर जॉब के संबंधित पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त करोगे। वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा भर्ती हो रही है, पीजीटी, टीजीटी, ऐसे बहुत से पोस्ट है यहाँ पर और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के भी बारे में जानकारी बताई गई है जो कि बीएड या डीएड आपको होना जरूरी है। मास्टर्स डिग्री प्राप्त उम्मीदवार या जो भी उम्मीदवार मास्टर्स डिग्री धारक है वे भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकेंगे और साथ ही साथ और भी यहाँ पर डिटेल्स है जिनका आप लाभ उठा सकते हो। तो जो भी हमारे उम्मीदवार इस वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना चाहते हैं जल्द से जल्द आपका एप्लीकेशन निश्चित कर लीजिएगा और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करिएगा और वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करिएगा। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डिटेल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो और इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन यहाँ पर जो है तेलंगाना है, तो सिलेक्ट होने पे आपकी पोस्टिंग तेलंगाना में होगी। तो जल्द से जल्द आवेदन कर आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। आशा करते हैं वीडियो आपके पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।